तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, अभी क्या है, कुछ फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इस तरह के आने लगे हैं। पहले क्या था, जो हमारे पहले एंड्रॉयड फ़ोन है उन्हें आप आसानी से पावर ऑन ऑफ वाला जो बटन है इसे प्रेस करके और उन्हें ऑफ कर देते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ फ़ोन ऐसे चल गए हैं जिनमें आप पावर ऑन ऑफ को कितनी ही देर तक दबा के रखना, उनमें फ़ोन को रिस्टार्ट या फिर फ़ोन को ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए इस तरह कुछ लिखा आ जाता है। तो देखिए जब ये लिखा आ रहा है तो अब आप अपने फ़ोन को ऑफ कैसे करेंगे, उस सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना, जैसे कि आप ये अच्छे समझ सकें कि आपके फ़ोन के अंदर भी यही प्रॉब्लम शो हो रही है। पावर ऑन ऑफ बटन को दबाते हैं और आपका फ़ोन ऑफ नहीं होता, ये सब लिखा आ जाता है। तो आप उसे किस तरीके से ऑफ कर सकते हैं वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने। और साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी दोस्तों देखिए, यदि ये फंक्शन आपके फ़ोन के अंदर आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, देखिए आपको करना ये है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए आपको जो आपके फ़ोन का वॉल्यूम अप बटन होता है ना, यानी कि जिससे आप अपने फ़ोन की आवाज़ बढ़ाते हैं, वॉल्यूम अप और पावर की दोनों को आपको एक साथ दबाना है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो जब आप दोनों को एक साथ दबाएंगे तो आपके फ़ोन में रिस्टार्ट का और स्विच ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना है तो इसे स्वाइप अप कर देना, और यदि फ़ोन को ऑफ करना है तो स्वाइप डाउन कर देना। फिर से अभी देखिए, फिर से करके दिखाता हूँ, वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है और देखिए स्विच ऑफ वाले ऑप्शन आ गए हैं। दोस्तों अब अपने फ़ोन को आप इस तरीके से स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।